हेलो जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक और नए प्रोडक्ट के साथ। इस वीडियो में लेकर आया हूँ कीटो स्कोर 6 क्रीम। ये क्रीम किसी भी तरीके के दाद में, खाज में, खुजली में उपयोग की जाती है। आज की वीडियो में इस क्रीम के बारे में पूरी और सही जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी नई वीडियो सीधे आप तक पहुँच सकें। चलिए अब जानते हैं इस कीटो स्कोर 6 क्रीम के बारे में। ये क्रीम स्मार्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड है। ये मेरे पास 15 ग्राम की ट्यूब है, जिसकी MRP ₹100 है और ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इस क्रीम में कीटोकैनाजोल, नियोमाइसिन, टोलना एफ्टेट, आइडोक्लोर, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट और डेक्सपेंथनॉल होता है। ये क्रीम शरीर के किसी भी हिस्से पर होने वाले दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, फोड़ा फुंसी, गुप्तांगों की खुजली, सिर में होने वाला स्किन इन्फेक्शन जिसमें सूजन और पपड़ी भी पाई जाती है, इन सभी रोगों में उपयोग की जा सकती है। इस क्रीम को दिन में 1 से 2 बार लगाया जा सकता है। इस क्रीम को आप 1 से 2 हफ्ते तक उपयोग कर सकते हैं या फिर आप इस क्रीम को उपयोग से पहले अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। इस क्रीम को लगाने से किसी किसी को स्किन पर जलन, खुजली, सूखापन और एक्ने जैसे फफोले में से कोई भी नुकसान हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो इस क्रीम का उपयोग नहीं करना है और अगर परेशानी ज़्यादा हो तो डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। इस क्रीम के साथ कुछ सावधानियों का ध्यान भी रखना है। इस क्रीम को प्रॉब्लम वाली जगह पर उपयोग करने से पहले शरीर के किसी हिस्से पर, जैसे अपने हाथ या फिर पैर पर, जरा सा लगाकर चेक कर लें। अगर जलन, खुजली और रेडनेस नहीं होती है तो आप प्रॉब्लम वाली जगह पर उपयोग कर सकते हैं। इस क्रीम को फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम और स्किन को गोरा बनाने के लिए उपयोग नहीं करना है। हर्पीज में, स्क्रैबीज में, चिकन पॉक्स में और स्किन टीबी जैसे रोगों में भी उपयोग नहीं करना है। और आपको अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है। कपड़े सूती यानी कि कॉटन के पहने, गीले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने और ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़ों में जीन्स और ट्राउज़र आदि ना पहने। टाइट कपड़ों में पसीना ज़्यादा आता है और पसीने से ये परेशानियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस क्रीम को लेकर अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो आप इस क्रीम को या फिर किसी भी दाद, खाज, खुजली की क्रीम को उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि इस क्रीम में टॉपिकल स्टेरॉइड होता है। अगर आप इस क्रीम को ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो आपको ये क्रीम नुकसान पहुंचाने लगती हैं। इसलिए अगर आप ऐसी कोई भी क्रीम अपनी इच्छा से उपयोग कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन उपयोग ना करें, 1 से 2 हफ्ते तक ही उपयोग करें। 1 से 2 हफ्ते में ठीक नहीं होता है तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।